वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितोऽपि भक्तरूपी चंद्र सर्वत्र वंदते सीतारामरंगणां पुण्यारण्यविहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कवीश्वरो उद्भवस्थिति संहार कारिणीं क्लेश हारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतो हम राम वल्लभां यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलम् ब्रह्मादि देवासुरा यस्तत्त्वादमर्षयो भाव सकलं रज्जो यथा हे प्रभां स्वातसुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मदि मंजुलातनोति जो स्मृत सदि होय नायक करि वर वदन करो अनुग्रह सोई बुद्धि राज सुख गुण सदन मोक होय वाचाल पंगु चढ़ंगिरि वर गहन जासु कृपा सुदयाल द्रवो सकल कलि मल दहन नील सरो रहु श्याम तरुण अरुण बारिच नयन करो सुम उर ताम सदाशील सागर सयन कुंद इंदु समदेह उमा रमण करुणा अयन जाहि दीन परनेह करौं कृपा मरदन मयन वंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु रूपहरि हाँ मोहतम कुंज जासु वचन रवि करणि कर सियावर रामचंद्र की जय वन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो वही सब संतन की हर हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। पानी जोरी मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी पानी जोरी आगे बयठाड़ी प्रभु त्रिलोक प्रीति अति बाड़ी केहि विदया स्तुति करौं तुम्हारी अधम जानि मैं जड़ मति भारी अधम ते अधम अधम अति नारी तिन्ह मह मैं मति मंद अघारी कह रघुपति सुनु भामिनी बाता मानौ एक भगति कर नाता जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई भगति हीन नर सोहै कैसे मम कथा प्रसंगा गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमाना चौथी भगति मम गुण गना करई कपट तज गाना मंगल भवन अमंगल हारी द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। इसका पढ़ लिया था ना हमने लास्ट टाइम। हाँ जी स्वामी जी। हाँ अभी अखंडानंद जी बोलते हैं पानी जोरी आगे भई ठाड़ी। अब बड़ी हिम्मत की शबरी ने हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई और प्रभु का दर्शन करके उसके हृदय में प्रीति अति बाढ़ी। प्रीति बाढ़ी प्रीति बढ़ी ऐसा नहीं कहते हैं, बहुत बढ़ गई। ऐसी बढ़ गई कि सारी मर्यादाओं को उसने तोड़ दिया। ये संसार की जितनी मर्यादा है वे तभी तक रहती हैं जब तक भगवान की प्रीति बढ़ती नहीं। और जहां प्रीति बढ़ी तब चंदन की जरूरत नहीं रहती, तब माला की जरूरत नहीं रहती, तब ध्यान करने की जरूरत नहीं रहती। शबरी बोली कि मैं किस प्रकार से तुम्हारी स्तुति करूं, मेरी एक तो जाति नीची है अधम अति जाति में, दूसरे मेरी बुद्धि भी जड़ है और भारी जड़ है, मैं कैसे स्तुति करूं।
अधम से अधम, अधम अति नारी, एक तो मैं स्त्री, उसमें भी शबरी भील, उसमें भी मेरे कर्म धर्म अच्छे नहीं, उनमें भी मैं अति मंद हूं, लेकिन आप तो अघारी हैं, अघारी हो। आप तो पापों का नाश करने वाले हो। रामचंद्र ने देखा कि हमारी ऐसी है यह प्रेमिका, इतना प्रेम करने वाली। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता। यह भामिनी संबोधन शबरी के लिए है, जिसकी जाति अच्छी नहीं, शरीर बहुत पुराना, अत्यंत वृद्ध है, और वह जंगल में फल फूल खाकर झाड़ू लगाकर रहती है लोगों के रास्ते में। वर्णन आता है कि मतंग जी का जो सरोवर था, किसी कारण से उसमें कीड़े पड़ गए थे। बड़े बड़े महात्माओं ने आकर युक्ति की, लेकिन किसी तरह से भी कीड़े दूर नहीं हुए। जब शबरी ने उसमें स्नान किया, तब जाकर उसके कीड़े निवृत्त हुए। रामचंद्र ने कहा, हमारी ऐसी तो भक्तिन है, और वह यह अपने को अधम अधम हमारे सामने कह रही है, यह ठीक नहीं। कोई हमारा नाम ले, हमारा दर्शन करे, हमारी भक्ति करे, फिर भी यह अधम ही बना रहे, तो यह ठीक नहीं है। सो बोले, भामिनी माने सुंदरी शबरी, सचमुच तुम परम सुंदरी हो, मेरी बात सुनो। मैं और कोई नाता नहीं मानता कि कोई स्त्री है कि पुरुष है कि किस संप्रदाय का है। मैं एक भक्त का संबंध मानता हूं। जो हमारा भक्त है, वह हमारा संबंधी है, वह हमारा रिश्तेदार है, प्रेम का संबंध मानते हैं। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, ये सब हो, लेकिन अगर भक्ति न हो तो उस मनुष्य की क्या दशा है? कि जैसे बादल तो बहुत हो लेकिन उसमें पानी ना हो, तो बादल किस काम का? वह तो धुआं हो गया। इसी प्रकार मनुष्य में यदि भक्ति ना हो तो सब गुण धुआं धुएं के समान। रामचंद्र ने कहा कि यदि मैं शबरी की प्रशंसा करने लगूंगा इसके सामने, तो इसको बड़ा संकोच होगा। तो ऐसी युक्ति करें कि प्रशंसा हो जाए। जो उपदेश कर रहे हैं भगवान, यह शबरी को उपदेश नहीं कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। कैसे प्रशंसा कर रहे हैं? कि आखिर में उन्होंने कहा कि इन 9 भक्तियों में से एक भक्ति भी अगर किसी के अंदर होवे, तो हे भामिनी, हे सुंदरी, वह मेरा प्यारा होता है। फिर बोले, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, लेकिन तेरे अंदर तो सारी भक्तियां पहले से हैं, माने 90 भक्ति तुम्हारे अंदर पहले से मौजूद है। तुम अपने को अधम अधम क्यों बोल रही हो? इस अभिप्राय से भगवान ने गूढ़ अभिप्राय से भक्ति का उपदेश प्रारंभ किया कि सुनो, तुमको मैं नवदा भक्ति सुनाता हूं। सावधान सुनो धरु मन माही, तुम सावधान होकर सुनो और अपने मन में धारण करो। एक बात और ध्यान देने लायक है कि लक्ष्मण को भगवान ने भक्ति योग समझाया और बताया कि श्रवणादिक नव भगति दृढ़ा ही, श्रवणादि जो नवदा भक्ति है भागवत में कही हुई, उसको दृढ़ करना चाहिए। लेकिन शबरी को यह नवदा भक्ति नहीं बताई, दूसरी नवदा भक्ति बताई। इसमें कारण यह है कि लक्ष्मण जी को वह भक्ति बताई जिससे रामचंद्र प्रियतम होते हैं, प्रेम पात्र बनते हैं, उनसे प्रेम होता है, और शबरी को वह भक्ति बताई जिससे मनुष्य राम का प्यारा होता है, रामचंद्र का ही प्रेम करें। तो प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली भक्ति है संतों का संग। सत्संग नहीं करेगा कोई तो भक्ति नहीं होगी। कुसंग मिल जाएगा तो वे बस यही पढ़ावेंगे कि अरे, इन सब कल्पना की बातों में क्या रखा है, चलो ताश खेलो तब मजा बहुत आवेगा, क्लब में चलो तो मजा आवेगा। वे तो जुआ खेलने की महिमा बतावेंगे,
क्लब को महिमा, क्लब की महिमा बतावेंगे, वे भक्ति की महिमा थोड़े ही बतावेंगे। सत्संग धीरे धीरे असर करता है और कुसंग तुरंत अपना मजा देता है, तो लोग कुसंग में फंसते हैं। पहली भक्ति यह है कि संत का दृढ़ संग हो, और दूसरी भक्ति क्या है कि मेरे कथा प्रसंग में रति होवे। रति माने प्रीति होवे। क्या कभी छूटने कथा कभी छूटे छूटने न पावे। रामचरित राकेश कर सरिस सुखन सब काहू, सज्जन कुमुद चकोर चित हित विशेष बड़ लाहू। महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका कराला, राम कया सुंदर कर तारी, संशय बिहग उड़ावन हारी। राम कथा से प्रेम हो, तो यहाँ पे ये जो कहीं से स्वामी जी ने लिया है कि महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कलिका कराला। कलि में राम कथा ही सुनने लायक है, हटा देती है। राम कथा सुंदर करतारी, संशय बेहद उड़ावन हारी। सारा संशय हट जाता है। करतारी मतलब वो जो हारी होती है ना, करतारी मतलब आरी ना, हाँ। तो राम कथा सुंदर करतारी, और क्या हटा देती है, संशय। किसके बारे में? अपने अस्तित्व के बारे में। राम कथा से प्रेम हो। तीसरी बात, गुरुपद पंकज सेवा। गुरुपद पंकज की सेवा करना, कैसे करना कि अमान होकर करना। अभिमान से सेवा नहीं होती, कुसेवा हो जाती है। बिल्कुल सच्ची घटना आपको बताता हूं। एक महात्मा के कोई भक्त थे। भक्त को बड़ा अभिमान था कि हम धनी हैं और इनके ऊपर बहुत खर्च करते हैं तो ये हमारी मुट्ठी में रहेंगे। अब महात्मा जी ने उनके पास जाना आना मिलना बंद कर दिया। एक दूसरे भक्त थे उन महात्मा जी के, वे उनसे मिलने के लिए गए। तब जो अभिमानी भक्त थे उन्होंने कहा कि उनको हमसे मेल करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए 100 रुपया रोज कौन खर्च करेगा। तो वे जो गए थे मिलने, वे बोले कि मैं भी रुपया खर्च कर सकता हूं, तुम 100 कर सकते हो तो मैं 200 कर सकता हूं, लेकिन उनके लिए अभिमान करो कि हम ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं तो हमारी मुट्ठी में है, यह कैसे होगा। बिल्कुल सच्ची घटना घटित हुई थी। 12-13 वर्ष पहले की बात है। तो गुरु की सेवा कैसे करना, बोले अमान होकर करना, उसमें बड़प्पन का अभिमान नहीं करना, नहीं तो सेवा नहीं बनेगी, वह तो अपने अभिमान की सेवा हो जाएगी अमान के साथ। चौथी भक्ति मम गुणगण। भक्ति का चौथा स्वरूप क्या है कि कपट छोड़कर भगवान के गुण का गान करके करें। कपट छोड़ना माने गुण गान के बदले में कुछ चाहे नहीं। हमारी बकेट लिस्ट नहीं होनी चाहिए। बोले हम तुम्हारे भाट हैं, आकर एक कवित्त सुनाया, अब हमारे लिए भेंट चाहिए, पुरस्कार चाहिए, तो ये भाट बंदी चारण सूत ऐसा करते हैं। लेकिन भगवत गुणगान में कपट नहीं चाहिए, क्योंकि जहां भगवत गुणानुवाद का गान होता है वहां आकर भगवान खड़े रहते हैं और सर्वाणी भावोपहतानी सान्येव भावोपहानी। कल कहा जहां भाव में त्रुटि आ जाती है वहां बड़ी से बड़ी सेवा अपराध बन जाती है। यह दोहे में जो बात कही गई है इसको नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे मिलाकर दोनों को साथ साथ जोड़ना चाहिए। कैसे? तो गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। कैसे लिखा इन्होंने दोहा, कहां गया? हाँ ठीक ही तो है। एक ही लाइन बोली ना। हाँ मान, हाँ ठीक है। कैसे तो, हाँ कैसे छोड़ना चाहिए, गुरु पंक, पंक,
गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अवान। मान छोड़कर और कपट छोड़कर गुरुपद पंकज की सेवा करना और मान कपट छोड़कर चौथी भक्ति भगवान का गुणगान करना, यह अमान को नीचे ले लो और कपट तजी जो को जोड़ दो साथ में, और कपट तजी ऊपर ले लो और अमान के साथ जोड़ दो। माने मान और छल यह भक्ति में नहीं चल सकते, भगवान ने साफ कह दिया। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, जो दुख सही पर छिद्र दुरावा। काम क्रोध लोभ आदि बुराइयों को ही छिद्र बोलते हैं। रुई से बना कपड़ा क्या करता है कि खुद दुख सहता है और शरीर में जो छिद्र हैं उनको ढक देता है। तो सत्संग क्या करता है कि पर छिद्रों को ढक देता है। भगवान कहते हैं कि सत्संग में जो चीज ढकी जाती है वह जिसमें यह वह हमको पसंद नहीं, तो यहां कहां कपट तजी गान करें। अब पांचवी भक्ति बताते हैं, तो उसके बाद अब नेक्स्ट शुरू हो जाता है। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुबेद प्रकाशा, छठ दम सील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातव सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हु नहीं देख इ पर दोषा। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हर्ष नहीना। नवम एकउ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सोय अतिशय प्रिय भामी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। योगी वृंद दुर्लभ भगति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भय सोई। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पावन सहज स्वरूपा। जनक सुता कई सुधि भामिनी, बजा नहीं कहूँ करि बरगामिनी। पंपा सरहि जाहु रघुराई, तह हो ही सुग्रीव मिताई। सो सब कही ही देव रघुबीरा, जानत हो पूछो मति धीरा। बार बार प्रभु पद से हुनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। कही कथा सकल विलोकि हरि, मुख हृदय पद पंकज धरे। तजी जोग पावन देह हरि पद, लीन भय जहाँ नहीं फिरे। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्याग हूँ। विश्वास करी कह दास तुलसी, राम पद अनुराग हूँ। जाति हीन अग जन्म मही, मुक्त की असी नारी। महामंद मन सुख चहसी, ऐसे प्रभु ही बिसारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। मेरे राम मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, ये पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। सातवीं भक्ति है जगत भर को संभाव से मुझ में ओत प्रोत राम में देखना और संतों को मुझ से भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी प्राय दोषों को ना देखना। नवमी भक्ति है सरलता और सबके साथ
कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य विषाद का ना होना। इन नवों में से जिनके एक भी होती है वही स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, हे भामिनी मुझे वह अत्यंत प्रिय है। फिर तुझमें तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है, तेव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे भामिनी अब यदि तू गजगामिनी जानकी की कुछ खबर जानती है तो बता। शबरी ने कहा, हे रघुनाथ जी आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहां आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव हे रघुवीर वह सब हाल बतावेगा। हे दुर्बुद्धि आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं। बार बार रो के चरणों में सिर नवाकर प्रेम सहित उसने सब कथा सुनाई। सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन कर हृदय में उनके चरण कमलों को धारण कर लिया और योग अग्नि से देह को त्याग कर जलाकर वह उस दुर्लभ हरि पद में लीन हो गई जहां से लौटना नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेकों प्रकार के कर्म अधर्म और बहुत से मत ये सब शोक प्रद है। हे मनुष्यों इनका त्याग कर दो और विश्वास करके श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो। जो नीच जाति की और पापों की जन्म भूमि थी ऐसी स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया और महादुर्बुद्धि मन तू ऐसे प्रभु को भूल कर सुख चाहता है। सुंदर मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। अखंडानंद जी बोलते हैं भगवान के मंत्र का जाप करें। मंत्र किसको कहते हैं? मनना त्रायते इति मंत्र, जो मनन करने से त्राण करे उसका नाम होता है मंत्र। मंत्र उसको कहते हैं जिससे मन अंतर्मुख होवे। मन अंतर मंत्र लेकिन इसमें यह जरूरी है कि विश्वास दृढ़ हो। कवनियु सिद्धि की बिनु विश्वासा, यदि विश्वास नहीं हो तो किसी सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती। तो दृढ़ विश्वास चाहिए। बोले किसी भी कारण से कोई कहे कि इस मंत्र से बढ़िया यह मंत्र है, इस देवता से बढ़िया यह देवता है, इस गुरु से बढ़िया यह गुरु है, फिर भी अपने विश्वास में हलन चलन नहीं होनी चाहिए, दृढ़ता बनी रहे। इसको वेद ने पंचम भजन के रूप में प्रकाशित किया है, क्योंकि जब जो करते हैं आप लोग शायद शांति पाठ बोलते होंगे, भगवती कहती है वांग में मनसी प्रतिष्ठिता मनो में वाची प्रतिष्ठितम आविर्म एधी, हमारी वाणी मन में प्रतिष्ठित हो और मन वाणी में, तभी यथार्थ रूप से जप होता है। वेदों में राम मंत्र बोलने का प्राणी मात्र का अधिकार कहा है, इसलिए कहते हैं पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठ दम शील बिरति बहुकर्मा, दम से इंद्रियां जप और शील से आचार का ग्रहण किया और काम्य कर्मों से विरत होना चाहिए। सज्जन धर्म परोपकार आदि में निरंतर निरत रहें। संतों का धर्म अभी आगे आने वाला है जो रामचंद्र भगवान नारद जी को उपदेश करेंगे। अच्छा और आगे आएगा। सातवें सातवें सममोही मय जग देखा। सातवीं भक्ति है जगत में सर्वत्र भगवान को ही समभाव से देखें। चींटी छोटी है और हाथी बड़ा है लेकिन भगवान दोनों में बराबर है। चींटी को छोटेपन और हाथी के बड़ेपन का कोई असर परमात्मा पर नहीं पड़ता है, इसलिए सारे जगत में परमात्मा का दर्शन करें। मोते संत अधिक करी लेखा,
भगवान कहते हैं कि संत को मुझसे भी बड़ा करके माने। मद भक्त पूजाभ्यधिका। श्रीमद् भागवत में आया है, भगवान कहते हैं कि जितनी पूजा मेरी करें उससे ज्यादा पूजा संत की करें। यह क्यों? तो बोले, देखो, हमारी जो कोई पूजा करता है उस पूजा को स्वीकार करने में हमको संकोच होता है, लेकिन जब हमारे भक्त की कोई पूजा करता है तो उसको स्वीकार करने में हमको संकोच नहीं होता है। हम अपने भक्त की पूजा से संतुष्ट होते हैं। बात यह है कि भगवान रहते तो सबके हृदय में हैं, लेकिन कहीं प्रकट रहते हैं और कहीं गुप्त रहते हैं। जिसके हृदय में वासनाएं बहुत रहती हैं, उसके हृदय में रहने पर भी भगवान छिपे रहते हैं, और जिसके हृदय में वासनाएं कम होती हैं उसके हृदय में भगवान प्रकट रहते हैं, क्योंकि वहां कोई ढकने वाली चीज नहीं है। इसलिए बताया कि भगवान तो सब जगह बराबर हैं। देखो, आंख में भी ज्ञान है और पांव के नाखून में भी ज्ञान है, लेकिन आंख से रूप का दर्शन होता है और पांव के नाखून से रूप का दर्शन नहीं होता। इसका कारण यह है कि आंख बहुत सूक्ष्म है और पांव बहुत स्थूल है। शीशा भी पत्थर है, माटी है, और कोयला भी माटी है, लेकिन शीशे में अपना प्रतिबिंब दिखता है और कोयले में अपना प्रतिबिंब नहीं दिखता। संत का जो अंतःकरण है वह परमात्मा के प्रकट होने और स्पष्ट देखने की जगह है। इसलिए मौते संत अधिक करी लेखा। भगवान कहते हैं कि मुझसे भी बड़ा संत को देखो। आठवां जथा लाभ संतोषा। देखो, माला फेरने वाली भक्ति को पांचवी भक्ति बताया, चौथी भक्ति गुण कीर्तन है, तीसरी भक्ति गुरु सेवा है, सातवीं भक्ति में माला फेरने का नाम नहीं है। सब जगह भगवान का दर्शन करें और संत की सेवा ज्यादा करें, और आठवीं भक्ति तो जथा लाभ संतोषा, जो मिले खाने को, पीने को, पहनने को, सोने को, उसी में संतोष कर लें और सपने में भी दूसरे का दोष न देखें। तो धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है अंतःकरण का। क्योंकि यह जो दूसरे के दोष का दर्शन है, अनजान में भी जब हम कोई दोष दूसरे में देखते हैं तब वह अपने में आने लगता है। दोष का स्वभाव ही यह है कि जो उसकी ओर ज्यादा देखे उसके दिल में वह ज्यादा आता है। नेष्यति यत् परस्थोपि स्वप्ने स्वयं सधार्यते कथम। जिसको तुम दूसरे के अंदर भी नहीं देखना चाहते हो उसकी याद करके उसको अपने में क्यों धारण करना चाहते हो। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जागृत की तो बात छोड़ो, स्वप्ने भी पराये का दोष न देखो, क्योंकि जो पराये का दोष देखेगा उसके अंतःकरण में वे दोष आवेंगे, और जिसको दोष देखने की आदत पड़ जाती है वह बिना हुए भी, माने जो दोष दूसरे में नहीं है वह भी उसको दिखने लगता है, क्योंकि उसकी आंख की आदत खराब हो जाती है। तो नवम सरल सब सन छल ही ना। नवी भक्ति क्या है कि सरलता, किसी से भी छल कपट मत करो और भगवान का विश्वास रखो, और संसार के विषयों की प्राप्ति होने पर हर्ष नहीं और न मिलने पर दैन्य नहीं। हाँ, संसार के स्वामी जी, कल भी जो हमने उदाहरण देखा था वो भी था कि कंपनी किसी की भी बुरी हो, सोर्ड की कंपनी। हाँ, सोर्ड की कंपनी। हाँ, वहां पे वही आया था ना, क्योंकि उसके दिल में वो हीन भाव आना शुरू हो जाता है, अंतःकरण खराब हो जाता है उस साधु का। वही मैं सोच रहा था कि कंपनी मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब चीज की भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना फिर तो। हाँ, किसके बाद किसके साथ रहते हो, इसी तो सबसे पहले तो यही बोला ना, सत्संग, संघ, प्रथम भक्ति सत्संग।
पहले अपना वातावरण सही करो। हाँ अब तो हम लास्ट वाले में हैं। जी नवम सरल सब छल हीना, नवी भक्ति क्या है कि सरलता, किसी से भी छल कपट मत करो और भगवान का विश्वास रखो, और संसार के विषयों की प्राप्ति होने पर हर्ष नहीं और न मिलने पर दैन्य नहीं। अब देखो भगवान ने कहा कि नवमह एकउ जिन्ह के होई, इन 9 प्रकार की भक्तियों में से जिनके हृदय में एक भी भक्ति रहती है, वह चाहे नारी हो, पुरुष हो, जड़ हो, चेतन हो, सचराचर, कोई ईश्वर तुष्य एकोपि बलि। शांडिल्य दर्शन में यह सूत्र आया है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए एक प्रकार की भक्ति भी बहुत बड़ी है। एक प्रकार की भक्ति भी भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। स्त्री पर भी, पुरुष पर भी, जड़ पर भी, चेतन पर भी। अहिल्या तो पत्थर हो गई थी, उसके ऊपर भी संतुष्ट हैं। वह तो बेचारी भक्ति कर नहीं सकती थी, जाकर स्वयं उसको पाद स्पर्श भक्ति दे दी, भगवान ने अपने चरण से छू दिया। कहते हैं हे भामिनी, पहले भामिनी से शुरू किया था और बीच में भी भामिनी कहा। भामिनी माने सुंदरी। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, वह मुझे अतिशय प्रिय है। लक्ष्मण जी को भक्ति बताई थी, वह यह बताई थी कि जो यह भक्ति करता है उसका मैं प्राण प्रिय हो जाता हूँ, वह मुझ में मुझसे प्रेम करने लगता है। और अब यह बताए कि ये 9 भक्ति में से कोई एक भी करे तो उससे प्रेम करने लग जाता हूँ। पहले उनको प्रेम करना सिखाया, अब मैं प्रेम करता हूँ। उनको मुझसे प्रेम हो जाता है, यहां भगवान कह रहे कि मुझे उनसे प्रेम हो जाता है। अगर एक भी इस नवदा भक्ति में से उनमें हो तो करने लग जाता हूं। यह तो हुई सिद्धांत की बात। अब यह कहा किस लिए था? कहा इसलिए था कि सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। इतना ही तो कहना था कुल। ये वे बोले कि एक भक्ति भी किसी में होवे तो वह मेरा अतिशय प्रिय होता है, और तेरे हृदय में तो यह सब प्रकार की भक्ति अतिशय दृढ़ है। इसका यह अर्थ हुआ कि जो तू अधम से अधम, अधम अति नारी बोल रही थी, वह सब बोलना बेकार है। 9 प्रकार की भक्ति तेरे अंदर है, तो अतिशय अतिशय मैं 9 बार कहूं कि तू मेरी प्यारी है। सो योगियों को जो गति दुर्लभ है, वह गति आज तुम्हारे लिए सुलभ हो गई। भगवान यह नहीं कहते हैं कि मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुमको यह वह गति मिले जो योगियों को मिलती है। कहते हैं कि अरे तेरी तो स्थिति से ही तुझे यह गति सुलभ हो गई, और मेरे दर्शन का यह परम अनुपम फल है कि जीव को अपने सहज स्वरूप की प्राप्ति होती है, माने तेरी मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति हित्वान यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, अन्यथा रूप का परित्याग करके स्वरूप में स्थित होना, इसका नाम मुक्ति है। सो मेरे दर्शन का यह फल है और वह तुमको प्राप्त होगा, यह भी वरदान नहीं देते हैं, कहते हैं कि सहज रूप से प्राप्त होगा। अब इसके बाद कहीं शबरी फिर से कुछ न कहे कि मैं तो बड़ी नीच हूं, आप मेरी ऐसी प्रशंसा कर रहे हैं, तो उसके लिए बोले जनक सुता की सुधि भामिनी, हे सुंदरी मुझे जनक सुता का पता बताओ। जा नहीं कहूं करी बरगामिनी, कहते हैं कि हे गजगामिनी तुम जानती हो क्या? देखो शबरी पर लुभा गए रामचंद्र भगवान, अतिशय प्रिय उसको बोलते हैं, भामिनी बोलते हैं और करीबर गमिनी बोलते हैं। लुभा गए उसके ऊपर और बोले रामचंद्र के स्वरूप के अनुरूप यह नहीं है, लेकिन फिर भी जहां प्रेम होता है वहां आकर्षण होता ही है। लेकिन देखो उसको भी देखकर
जनका सुता की याद आती है, सो पूछ लिया कि तुमको पता हो तो बताओ। सो वह बोली कि हमारे गुरुजी ने यह तो नहीं कहा था कि रामचंद्र को तुम सीता का पता बताना, गुरुजी ने तो आज्ञा दी ही नहीं थी। तो कुछ लेना देना तुमसे है नहीं, अब तुम पंपा सरोवर जाओ, वहां तुम्हारी सुग्रीव से मैत्री होगी। मैं दूर दृष्टि से देख रही हूं, अथवा हमारे गुरुजी कह गए हैं, जैसे याज्ञवल्क्य मुनि ने जनक जी की पत्नी महारानी सुनयना जी को बता दिया था, वैसे गुरुजी कहे गए हैं। हे रघुवीर, हे देव, वे सब तुमसे कहेंगे। तुम जानबूझकर भी हमसे पूछ रहे हो, तुम कोई विरही थोड़े ही हो, तुम तो बड़े भारी धीर हो, इसलिए ऐसा पूछ रहे हो। अब न कोई वर देना है भगवान को, न कोई वर लेना है शबरी को। यह देने लेने का व्यवहार तो कुछ बाकी नहीं है। शबरी का सब कुछ राम का है और राम का सब कुछ शबरी का है। क्यों? कि स्वरूप एक है, रूप नहीं, स्वरूप एक है। आज मैं स्वामी जी का बृहदारण्यक उपनिषद के ऊपर लेक्चर सुन रहा था, हाँ जी, तो उसमें पांचवा अध्याय कुछ चल रहा है, तो उसमें यही आता है कि तुम, वो पूरा चैप्टर ही इसके ऊपर है कि भगवान के पीछे मत जाओ। अगर तुमको मुक्ति चाहिए, भगवान के पीछे जाने से मुक्ति नहीं मिलेगी। अच्छा हाँ, तुमको स्वरूप के पीछे जाना है। भगवान मतलब, उसमें हेल्प कर सकते हैं, हाँ ईश्वर उसमें हेल्प कर सकते हैं, जैसे रामचंद्र जी शबरी को हेल्प कर रहे हैं। लेकिन हाँ तुम अगर भगवान का या भगवान को याद करोगे तो रीबर्थ में फंस जाओगे, उसमें से हाँ छुटकारा नहीं है। क्योंकि भगवान किसके लिए है? सिर्फ जीव के लिए है। और जीव असलियत में क्या है? वो तो परब्रह्म परमात्मा है। तो तुम बायपास करो भगवान को, यानी बृहदारण्यक के उपनिषद में ये पूरा चैप्टर ही इसके ऊपर है कि यू बी वेरी केयरफुल, यानी उसमें ये क्या कहते हैं, गाइडेंस दी जा रही है कि कैसे लोग फंस जाते हैं। तो आप कह रहे हैं कि भगवान के ऊपर फोकस नहीं करना है, नहीं करना है, तो फिर क्या करना है? नाम के ऊपर फोकस करो। हाँ, नाम के ऊपर। ओके, ठीक नाम है, पर चलो। अब शबरी ने आत्म स्वरूप से राम को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उसके गुरुजी ने उसको बताया था। हाँ जी, उसने कभी राम को देखा नहीं, ना तो उसका ध्यान कहां था फिर? किसी रूप पे था? नाम पे। नहीं, हाँ उस नाम पे था और अपने स्वरूप पे था। हाँ अपने स्वरूप पे। हाँ अब बाकी किसी को भी स्वरूप मुक्ति नहीं हुई, सिर्फ इसको स्वरूप की मुक्ति हुई है, इसको तो एक्चुअल जीवन मुक्ति मिली है। हाँ सायुज्य मुक्ति। हाँ जी, सी? इसको सार रूप पे मुक्ति नहीं मिली, इसको यानी वो साकेत में जाके राम का रूप नहीं मिला या सीता जी का रूप नहीं मिला, इसने तो इसको, ये तो रूप विहीन हो गई, तो इसको कोई रिबर्थ नहीं है। तो वहां प्रसंग ऐसा था कि भाई उपनिषद जब पढ़ते हो, उपनिषद किसी हिरण्यगर्भ में जाके फंसने की बात नहीं है, भगवान में किसी जाके फंसने की बात नहीं है। क्योंकि कितने सारे भगवान हैं, तुम एक भगवान के पीछे जाओगे तो दूसरा तुमको कहेगा कि मेरे पास आ जा। और भगवान भगवान के पास जाओगे तो बाकी भगवान तुम्हारे को डिफिकल्टीज रास्ते में डालेंगे। पर जब तुम स्वरूप की तरफ जाते हो तो एकदम डायरेक्टली तुम अपने पास पहुंच जाते हो। सुन लो उसको, कौन सा 14th एंड 15th लेक्चर ओके, मैं करता हूँ सर, सुन सुनिए। लेना। और कहां पे हम? हाँ, जनक सुता ही सुधी भाम, ये पकड़ लिया ना हमने। हाँ, सो वह बोली कि हाँ, ये भी हो गया। हाँ, अब न कोई वर देना है भगवान को, न कोई वर लेना है शबरी को। यह देने लेने का व्यवहार तो कुछ बाकी नहीं है। शबरी का सब कुछ राम का है और राम का सब कुछ शबरी का है। क्यों? कि स्वरूप एक है, यहां स्वरूप का साक्षात्कार हो गया, दोनों एक हैं, इसलिए
सी स्वरूप का साक्षात्कार मतलब राम का स्वरूप और शबरी का स्वरूप एक है, ये ज्ञान शबरी को हो गया। पर भक्त क्या करता है, भगवान में लीन हो जाता है, वो स्वरूप में लीन नहीं होता, वो भगवान में लीन होता है, ईश्वर में लीन होता है। अब वो किस तरीके से जाए, सा लोक्य मुक्ति करे, सा रूप्य मुक्ति करे, सा युज्य मुक्ति करे, किस तरीके से उसको जाना है, अलग अलग तरीके की मुक्ति बताई है उधर, बट दैट इज ऑन द रिलेटिव लेवल, दिस इज एब्सोल्यूट लेवल। बार बार प्रभु पद सिरुनाई, बार बार भगवान के चरणों में सिर रखकर उसने प्रेम सहित सारी कथा सुनाई। अब सारी कथा सुनकर और भगवान का मुखारविंद देखकर उनके पद पंकज को हृदय में धारण कर लिया और योगाग्नि में अपने शरीर को छोड़कर हरिपद में लीन हो गई। वहां लीन हुई जहां से लौटा नहीं जाता है, जहां नहीं फिरे। गीत को तो भगवान का सारूप्य प्राप्त हुआ था, वह भगवान के धाम में गया था, वहां जाकर दशरथ से मिलेगा और मिलेगा तो शरीरधारी होगा, रावण भी वहां जाकर मिलेगा, उनको सारूप्य मुक्ति मिली, लेकिन शबरी को तो वह मुक्ति मिली जह नहीं फिरे, जहां से लौटकर आना नहीं होता, इसको तो कैवल्य मुक्ति की प्राप्ति हुई। कैवल्य मुक्ति की पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसने राम के जब राम को देखा तो अरे मैं क्यों इसके सामने जाऊं, मैं तो स्वरूप में स्थित हूं, ये नहीं। उसको तो अपने गुरु जी का क्या कहते हैं जो मैसेज था वो याद है ना, कि राम आके तुझे खुद दर्शन देंगे और मुक्ति देंगे। तो ये एक क्या कहेंगे, एक विश्वास, दृढ़ विश्वास। एक दृढ़ विश्वास, बट अपने को भूले बिना, अपने अस्तित्व को भूले बिना। तो प्रभु को याद करना है, पर प्रभु को कैसे याद करना है, अपने आत्म स्वरूप से याद करना है। ऐसे नहीं याद करना है कि भाई हमको जाके उनके साथ एक होना है, नहीं, वो हमारे अंदर ही तो हैं ऑलरेडी। एक मैं कथा में सुन रहा था तो बोले, और स्वामी जी बता रहे थे, बोले मातंग ऋषि जो इनके गुरु थे शबरी माता के, तो हाँ वो बोले के यू स्टे इन माय कुटिया, एंड व्हेन ही वाज जा रहे थे शरीर छोड़ करके, तो वो बोले अब मेरा क्या होगा आपके बाद, पहले तो यू आर हाँ हेयर एंड ही सेइंग के ऐसे ऐसे जैसे अभी आपने कहा ना कि नाम जप करती रहना, पुरुष हाँ भेष में तुम्हारी कुटिया में कोई आएगा ही नहीं, इज अ ह्यूमन बॉडी, और अगर जैसे कोई आएंगे और राम ही होंगे। होंगे देख लो, ये मेरे को पता नहीं था कि पुरुष भेष में कोई भी नहीं आएगा, ये पता नहीं था मुझे। अच्छा, वो उसे वो बोल रहे थे स्वामी जी के अच्छा पुरुष भेष में तुम्हारे मतलब ओके नो बडी केम शी वाज और डेली शी वाज गेटिंग प्रिपेयर्ड कि प्रिपेयर, आज हाँ इसको ले आज राम सके। आएंगे, आज राम आएंगे। हाँ तो यही हो जाता है ना, जो हम पहले नवविधा भक्ति देख रहे थे, तुम हाँ जी नाम जप करते रहोगे तो तुम्हारा मन बाहर से अंदर अंतर हो जाता है, इंट्रोवर्ट हो जाता है, और इंट्रोवर्ट होना मतलब इवेंचुअली जैसे जैसे होता रहेगा, परिपक्व होते रहोगे तो आत्म साक्षात्कार तो हो ही जाता है ना, होना ही पड़ेगा, उसका कोई और चारा नहीं है। पर हमारा मन इंट्रोवर्ट होता ही नहीं है, घूमता रहता है बाहर। हाँ ना, उसके बाद बोलते हैं, सो हे मनुष्य, तुम विविध प्रकार के कर्म और बहुत प्रकार के अधर्म और बहुत प्रकार की मतों को जो शोक देने वाले हैं का त्याग कर दो और विश्वास करो। तुलसीदास कहते हैं कि राम पद में प्रेम करो, यह विश्वास ही सबसे बड़ी वस्तु है और इसी से सब कुछ मिलता है। बोलो श्याम रामचंद्र हनुमान की जय, पवन सुत हनुमान की की जय, जय, उमापति गणपति महादेव महादेव की की जय, जय, बोलो भाई भई सब सब संतन संतन की की जय, जय, हर 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 नमः नमः पार्वती पार्वती पते पते हर 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 नमः। महादेव, सीताराम चंद्र अर्पणमस्तु, श्री राम।
जय राम। मैं इंडिया जा रहा हूँ कब? फ्राइडे। इस फ्राइडे? हाँ एक्चुअली वही बात कर रहे थे तो सीमा भाभी बोली कि यू एन नीड टू गो ऑन फ्राइडे सो हाँ, यू कैन। क्या कह रहा है? ओ संडे रामनवमी है ना। हाँ, अच्छा, रामनवमी के उसमें हाँ सीधे तो मैं अपने बात की थी मंदिर में, आप मिले थे ना स्वामी जी से हमारे मंदिर उधर ही जा रहे हो, उनके पास जा रहे वही हो, मंदिर में उनका रामनवमी उनका फिर। उनको प्रणाम बोलना मेरा। हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ मैं बस वही फिर बना के चलो संडे पहुंच जाऊंगा। अरे वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो सैटरडे वो रख रहे हैं रामचरितमानस का पार्ट सुबह, तो 24 आवर्स बना। तुमने तुमने रखा है? नहीं, स्वामी जी करते हैं ना हर अच्छा, रामनवमी का, तो फिर मैं चलो वही चलते हैं इस बार। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। ये तो बड़ी बड़ी बढ़िया बात होगी। देखो, हाँ सत्संग करते करते मन में आ गया, तुम निकल भी गए, हम एक्चुअली यही। जस्ट कोइंसिडेंट हैपेंड, बात कर रहे थे वीकेंड पे ऐसे वॉक कर रहे, तो मैंने बोले कि 10 की राम ने मैंने जाना है, तो फिर मैं वीकेंड पे जो मैं चलता हूँ सैटरडे संडे और फ्राइडे चलते हैं। टिकट मिल तो गया हाँ एयर इंडिया डायरेक्ट, एयर इंडिया का? ओके, तो 3 हफ्ते के लिए फिर मैं छुट्टी। तीन तीन हफ्ते।